एक सेकंड भाई, ये तो एक वड़ा पाव की शॉप है और इतनी भीड़ क्यों है भाई? मुंबई का वड़ा पाव बेचती है क्या ये लड़की? तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फोर्जा होराइजन 5 में। तो यार आपका भाई यहाँ पे फोर्जा होराइजन 5 में एक पुलिस वाला बन चुका है। आज मेरा ड्यूटी का सिर्फ दूसरा दिन है और मुझे एक कंप्लेंट आई है भाई। कंप्लेंट देते समय वो लेडीज जो थी ना भाई, बहुत रो रही थी भाई। पता नहीं इतना क्यों रो रही थी, ऐसा क्या उसका हुआ है? तो यार मैंने उसको पूछा, जरा लेडी जी आप शांत हो जाइए, मुझे बताइए क्या होता। उसने बोला भाई मेरे एक छोटा सा शॉप है, उस पर ना चोरी हो चुकी है। तो मैंने बोला क्या चोरी हुआ है? तो भाई उसने तो मुझे बताया नहीं, तो वहाँ पर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो भाई हम यहाँ पे आ चुके, जस्ट आई थिंक यही एड्रेस बताया था उसने। तो आई थिंक यहाँ से राइट लेने के बाद उसकी शॉप हमें दिख जाएगी। तो देखते हैं भाई ऐसी कौन सी शॉप है जहाँ से उसका इतना सामान चोरी हो गया जो वो रो रही थी। एक सेकंड भाई, ये तो एक वड़ा पाव की शॉप है और इतनी भीड़ क्यों है भाई? मुंबई का वड़ा पाव बेचती है क्या ये लड़की? एक सेकंड भाई, गाड़ी पीछे लेने दो जरा, उसको पूछता हूँ जरा मैं क्या हुआ। हाँ जी, अच्छा, एक काम कीजिए ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, वो फोटो मैं देख लूँगा। ओके ठीक है। तो चलो भाई लोग, तो हमें भाई पता चल चुका है भाई एक वड़ा पाव गर्ल है। नहीं, ये मुंबई का वड़ा पाव तो नहीं बेचती, बट इसके शॉप से ना भाई वड़ा पाव के जो पाव होते हैं वो चोरी हो गए। तो उसने हमें एक गाड़ी का फोटो भेजा है जिसने वो चुराए थे। एक सेकंड भाई, वो गाड़ी का फोटो इससे मैच कर रहा है? नहीं, इसका कलर थोड़ा अलग है। एक सेकंड भाई, मुझे थोड़ा फोटो देखने दो, तब मुझे पता चल पाएगा कि भाई गाड़ी कैसी है। तो चलो भाई, जो पाव चोर है उसकी गाड़ी का कलर, मॉडल और उसका जो नंबर है वो हमारे पास आ चुका है। तो भाई उसका जो नंबर है वो कुछ खास दिख नहीं रहा था, लेकिन जो भी दिख रहा है उसमें B257 से स्टार्टिंग है। तो हमें बस गाड़ी का मॉडल नंबर कलर मैच करना है, उसके बाद हम उसकी नंबर प्लेट चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पे तो भाई दो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट, और लेकिन मेरी पुलिस वाली इंस्टिंक्ट बोल रही है कि ये जाएगा लेफ्ट, क्योंकि उसने गलती की है तो वो भाई राइट तो जाएगा नहीं। आई होप बस वो इसी रोड पे हमें मिल जाए। लेकिन यार दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, ताकि ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। तो चलो भाई, बस हमें पाव चोर को ढूंढना है। यार क्या मजबूरी रही होगी उसकी, एक वड़ा पाव वाली से पाव चोरी किया उसने। वेट एक सेकंड, मुझे एक गाड़ी यहाँ सामने दिखाई दे रही है। नहीं, ये थार है, उसके आगे एक गाड़ी दिखाई दे रही है। उसका मॉडल नंबर तो मुझे मैच कर रहा है, बस उसका कलर भी सेम ही है, बस हमें उसकी नंबर प्लेट चेक करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब रुकोगे? एक सेकंड भाई, थोड़ा सा हम इसके आगे जाके रुकते हैं, देखते हैं ये रुकता है या नहीं। अरे भाई, ये पुलिस की गाड़ी देख के भी नहीं रुका, कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो इससे सवाल करते पहली बार। ओ भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? अच्छा मौसी को देखने गए थे, जाओ आप जाओ। चलो भाई इसके साथ थोड़ा सा गेम खेलते और देखते ये गिल्टी है या नहीं। तेरी भैंस के यहाँ पुलिस को ठोकता है, इसने कुछ तो किया है भाई। चलो अभी सीधी बात, नो बकवास भाई। वो वड़ा पाव वाली से तूने पाव क्यों चोरी किया? अच्छा तुझे 3 चाहिए थे और वो क्या बोल रही थी 4 लेने पड़ेंगे, तो 4 ले लेता। जा भाई जा। ए भाई जाना है क्या पुलिस थाने? तो भाई साहब वो जो वड़ा पाव वाली थी वो इसको 4 वड़ा पाव दे रही थी, लेकिन इसको तो भाई 3 ही चाहिए थे। तो भाई इसको 3 नहीं मिले, इसने उसके सारे पाव उठा के लेके आ गया। कोई बात नहीं भाई, मैं तो उसके पास जाने वाला था 2 वड़ा पाव खाने के लिए, लेकिन वो मेरे को अगर बोलती कि भाई 4 लेने पड़ेंगे तो भाई मैं खुद उस पर गुस्सा हो जाता, उसको अंदर कर देता। कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।